आरजीकर हॉस्पिटल में पिछले 9 अगस्त को एक महिला डॉक्टर के साथ जो भी कुछ हुआ उसकी चारों ओर से निंदा की जा रही है। अब इसके खिलाफ ममता बनर्जी की पार्टी भी खुलकर इंसाफ के लिए मैदान में उतर आई है। इसी संदर्भ में आज वार्ड नंबर 39 के टीएमसी काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के नेतृत्व में एक विशाल विरोध रैली निकाली गई। काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के इस विरोध रैली में अब्दुल रशीद डैनी, हाजी बरकत अली, मोहम्मद इमरान, निखत फारूकी समेत सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं सभी इस जुलूस में शामिल हुए और पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए नारे लगाए गए। इस अवसर पर काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने कहा कि आरजीकर मामले को लेकर बीजेपी और सीपीएम दोनों मिलकर राजनीति कर रही हैं, लेकिन इनका कुछ भला नहीं होने वाला, क्योंकि बंगाल की जनता को पता है कि ये दोनों कितने बड़े चोर हैं। खुद बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के साथ कितने अपराध होते हैं ये जग जाहिर है। बहुत शानदार मिचिल में आप लोग जोशो खरोश का साथ दिए। मैं सिर्फ बस दो बातों पर रोशनी डालूंगा जिससे आप समझेंगे। एक ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा है इस हादसे को लेकर, पहला तो ये समझ लीजिए ये हादसा दर्दनाक है, अफसोसनाक है और निंदनीय है। और हमारी पार्टी शुभ्रतो बख्शी जो हमारे ऑनरेबल सदर है, उन्होंने स्पष्ट प्रेस रिलीज जारी किया है कि हमारी पूरी पार्टी इस घटना के और इस हादसे के निंदा करती है और हम लोग फांसी का तलबगार हैं। और सिर्फ फांसी नहीं, इसलिए आरजीकल मेडिकल कॉलेज में जो हमला हुआ है, जो कलकत्ता पुलिस ने जो सोशल मीडिया में दिया है चेहरा, 19-20 चेहरा आइडेंटिफाई किया गया है और 100-150 बच्चों लड़कों का आइडेंटिफाई किया जा रहा है कलकत्ता पुलिस, ममता बनर्जी ने कहा चाहे कोई भी हो, जसीमुद्दीन भी अगर है और जसीमुद्दीन का परिवार का कोई अगर सदस्य है या जसीमुद्दीन से दूर दूर का भी कोई रिश्ता है, सबको दबोचना होगा, सबको पकड़ना होगा। अन्याय अन्याय है, कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों को बख्शा नहीं जाए। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क का पार्लियामेंट, आप क्या बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसमें सियासत कर रही है। आज दिल्ली में पार्लियामेंट में तो नरेंद्र मोदी है, पार्लियामेंट में बिल लाए कि 15 दिनों के अंदर में इस तरह के अपराधियों को जो है सजाए मौत दिया जाएगा। हम लोग समर्थन करेंगे, हमारी पूरी पार्लियामेंट, राज्यसभा में लोकसभा में हमारा 42-46 MP है, अभी 29 और राज्यसभा मिलाकर हम लोगों का 45-46 MP है। देखिए ये मेरा जाति है लेकिन मुझे भरोसा है, मेरी पार्टी के नजरियात पर भरोसा है। मैं कहता हूं शुभेंदु अधिकारी को, मैं मुतालबा करता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि आप इसके बाद जो पार्लियामेंट आएगा विशेष अधिवेशन बुलाकर, पूरे हिंदुस्तान में विशेष अधिवेशन बुलाकर, पार्लियामेंट में विशेष अधिवेशन बुलाकर इस तरह के जो मामलात हैं खवातीन के साथ, बच्चों के साथ, उसके लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाइए। पार्लियामेंट के अंदर में एक ऐसा बिल लाइए कि इस तरह के जो अपराधी होंगे पार्लियामेंट में एक बिल लाइए जो एक महीना के अंदर में तहकीकात मुकम्मल करके फांसी का सजा हो। घोषणा कर दीजिए प्रधानमंत्री जी, पार्लियामेंट में बिल लाइए प्रधानमंत्री जी, हम चाहते हमारे देश में ऐसा कानून हो। इस बात में मेरा इशारा समझ रहे हैं, हमारे जो कानूनी इख्तियारात हैं हमारे दस्तूरी निज़ाम में इस तरह के मामलात में विटनेस चाहिए, गवाह चाहिए, ये चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 40 दिन लगते हैं। नॉर्मली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 40 दिन लगते हैं, ममता बनर्जी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंप्लीट करके उसके वालिद के हाथ में सुपुर्द कर दिया, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। सीसी कैमरा मांगा गया था, सीसी कैमरा दे दिया गया। सारी बातें हमारी ममता बनर्जी ने, वजीर आला ने डिटेल्स कल धर्मतल्ला में वहां पे रखी हैं, मैं उस पर रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन दो चार बातों पे रोशनी देना चाहता हूं कि जिस तरह का तहकीकात में जिस तरह का मदद करना चाहिए उस बच्ची के लिए, उस बच्ची के परिवार के लिए, हुकूमत मगरी बंगाल ने हर तरह की कोशिशें की वजीर आला के क्यादत में, ममता बनर्जी के क्यादत में, और हम लोग करने के लिए तैयार हैं। मैं चलिए आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, कल भी मुलाकात होगी, कल बहुत सारी बातें होंगी, मगरिब का वक्त है, नमाज का वक्त है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, एक तरफ हम लोगों का ये मुतालबा है कि हमारी बहन को, हमारी बेटी को इंसाफ मिले, इंसाफ के तौर पर सजाए मौत हो, सजाए मौत हो। और फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जितना गुमराहकरण प्रचार बीजेपी और CPM कर रही है वो मुंह के बल गिरेगी, क्योंकि हमारा नियत और नीति दोनों साफ है। तृणमूल कांग्रेस का नियत और नीति दोनों साफ है, वजीर आला का नीति और नियत दोनों साफ है, शफाफ है। हम इस तरह की
वाकयात का समर्थन नहीं करते। हमसे मुराद ममता बनर्जी से लेकर जसीमुद्दीन तक हम लोग कोई समर्थन नहीं करते। हमारे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि हम लोग टोटल सब काम छोड़कर अपनी बहन के इंसाफ के लिए तृणमूल कांग्रेस रास्ते पे उतर जाए। कल ही सुदीप बंदोपाध्याय जी ने हम लोग से कहा कि हमारे जो इलाके में एक एक इलाके में जाओ, तमाम जो हमारे कार्यकर्ता उनको लेके मीटिंग करो, बोलो हम लोग का वन पॉइंट प्रोग्राम होगा, जब तक फांसी नहीं होगा हम लोग रास्ता से निकलेंगे नहीं, रास्ता में रहेंगे। हम लोग रास्ता में रहकर अपनी बहन को बहन के लिए रास्ता में रहकर रास्ता में उतर कर अपनी बहन को इंसाफ देंगे। इंसाफ का मतलब सजाए मौत। और एक बात और इसमें ज्वाइन कर देना चाहते हैं, तमाम गुमराही को ख़त्म कर देना चाहते हैं। इस वाकया में, इस हादसा में, इस दर्दनाक वाकया में, इस अफसोसनाक हादसे में पर्दा दर पर्दा, यानी सामने और पर्दे के पीछे दूर दूर तक अगर कोई भी मुलविस है, सबको सजा होना चाहिए, सबको गिरफ्तार करो, सबको ऐतिहासिक सजा दो। जिन लोगों ने तोड़फोड़ मचाया है, जो लोग कागजात को धर्म भरम करना चाहते हैं, जो लोग निज़ाम को धर्म भरम करना चाहते हैं, जो लोग राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं, उन सब से हम लोग यही दरख्वास्त करते हैं कि भाई इस मामले में, इस तरह के मामले में, बहन बेटी के मामले में सियासत मत करो। झंडा डंडा राजनीति वोट बैंक सबको बलाए ताक रखकर आइए हम लोग सब मिलजुल कर। कोई सीपीएम करता है कोई अपराध नहीं है, कोई टीएमसी करता है कोई अपराध नहीं, कोई कांग्रेस करता है कोई अपराध नहीं है, कोई बीजेपी करता है कोई अपराध नहीं है, जिसको जो पसंद है वो करे, लेकिन बहन बेटी के मामले में सियासत मत करो। वोट की राजनीति बंद करो, सियासत बंद करो, सब मुत्तहद होकर आओ ना मगरबी बंगाल से लेकर पार्लियामेंट तक। याद रखे भारतीय जनता पार्टी, तुम बच नहीं पाओगे, तुम बच नहीं पाओगे। ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगने का हक तुमको नहीं है। अगर ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगते हो तो उत्तर प्रदेश में योगी का इस्तीफा मांगने की हिम्मत है? उत्तराखंड के वजीर आला इस्तीफा देंगे? आसाम के वजीर आला इस्तीफा देंगे? देंगे? मध्य प्रदेश, मणिपुर इस्तीफा देंगे? पहले तुम सब मिलकर इस्तीफा दो। शुभिंदु अग्रधिकारी, अगर आप में अगर बहन के लिए बेटी के लिए दिल में थोड़ी भी मोहब्बत है तो दो तरफा बात मत करो, दोहरी राजनीति मत करो। हिंदू मुसलमान कर रहे हो, यही शुभिंदु अधिकारी, देखिए इस मामले में भी वो हिंदू मुसलमान कह रहा है। उनका एक स्टेटमेंट शाया हुआ तो मैं उसमें जाता नहीं चाहता हूं। आज हर मामले में हिंदू मुसलमान, वो जो आर्टिकल में जो हमला हुआ, जो रात में जो हमला किया, जो समाज दुश्मन अनासिर हम कहते हैं, दे आर ऑल एंटी सोशल्स, वो समाज के जो है बदनुमा दाग है, वो जो रात में हमला किए हैं। सुविंदर अधिकारी कहा एक विशेष जातियों ने हमला किया है, बोले ना, एक विशेष जाति, विशेष संप्रदायिक के लोगों ने रात में हमला किया है। वो बिलगछिया को टारगेट कर रहे हैं, वो काशीपुर को टारगेट कर रहे हैं, कमरहट्टी को टारगेट कर रहे हैं, टीटागढ़ भी बोला है और हावड़ा बोला है। बोले टीटागढ़ से, कमरहट्टी से और काशीपुर से, बिलगछिया से सब लोग आए थे, वो मुसलमान इलाकों को देखे नहीं। जब हॉकर उचित नहीं, दीदी ने कहा कि हॉकरों को एक सिस्टम में लाएंगे। जब हॉकर के लिए एक्शन हुआ, जब ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक्शन हुआ, तो कह दिया क्या राजा बाजार में क्यों नहीं हो रहा है, मढ़िया ब्रिज में क्यों नहीं हो रहा है, खिदीपुर में क्यों नहीं हो रहा है। ये वो लोग हैं जो आज बहन और बेटी के मामले में भी सियासी रोटी सेक करके यहां भी धर्म की राजनीति करते हैं, यहां भी हिंदू मुसलमान करें। सतर्क रहना है। मैं तमाम भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मोमबत्ती लेके जाओ, लेकिन शुभिंदु अधिकारी के बातों पे मत आना। अगर ये जहर हमारे मगरबी बंगाल की फिजा में अगर फैल गया तो फिर ये गुजरात बनने में देर नहीं लगेगा, मध्य प्रदेश और आसाम बनने में देर नहीं लगेगा। यहां पर सभी मस्जिदों से माइक सुने ना, आसाम का वजीर आला बोला माइक उतार दिया, योगी बोला ना दुकान में नाम लिखना पड़ेगा किसका दुकान है, हिंदू का ना मुसलमान का। और ये घटने में भी आप देख लीजिए गहराई से, शुभिंदु अधिकारी इसमें भी जो है वो जहर, हिंदू और मुसलमान का जहर बोलने की कोशिश करें। मैं तो सिर्फ इतना, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगी, शुभिंदु अधिकारी को जवाब देना चाहता हूं कि जो तुमने कहा था कि ये वो बिलगछिया के लोग हैं, काशीपुर के लोग हैं, टीटागढ़ के लोग हैं और ये विशेष सांप्रदायिक के लोग हैं, माने मुसलमान है, अभी 19 लोग या 20 लोग पकड़े गए, 25 लोग नहीं, कल जो मैंने देखा था 20 में 2 मुसलमान, टोटल 25 अभी धरे।
अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कल का रिपोर्ट मेरे पास में स्पेसिफिक है कि 20 जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें सिर्फ 2 मुस्लिम हैं। मैं सीबीआई से भी कहना चाहता हूँ, हालांकि सीबीआई कितना साफ और शफाफ इंक्वायरी करेगी अमित शाह जी के इशारे पर, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केजरीवाल को बेल नहीं हो रहा है, लेकिन 17 महीने के बाद सिसोदिया को बेल हो गया, तेजस्वी को कब गिरफ्तार कर दिया जाएगा मालूम नहीं, शोभन सुरन के साथ में क्या हुआ, ये सीबीआई ईडी जो है आज मोदी के हाथ में कठपुतली बनी हुई है, इसमें भी लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने देश के एक अजीम संस्था पर भरोसा करते हुए कहना चाहता हूं कि आर्जिकल में भी जो हमले हुए हैं तमाम दोषी, चाहे वो 100 हो, 200 हो, दूर में हो, करीब में हो, पर्दा हो, दरपर्दा हो, सबको सामने में लाए और सब कुछ आया करे। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी इंसाफ के साथ है, जस्टिस के साथ है, इंसानियत के साथ है। हम तशद्दुद के रास्ते पर न चलेंगे, न अपने कार्यकर्ताओं का चलने का दर्ज देंगे। हम हमेशा अमन पसंद लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबका फला चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों का जो नज़रियात है हम यहीं से शुरू करते हैं और यहीं से ख़त्म करते हैं कि हम सब कुछ पर कंप्रोमाइज़ कर सकते, बहुत चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, 2 कदम आगे 2 कदम आगे 4 कदम पीछे हटना पड़ता है, 1 कदम आगे 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, सब ठीक है। लेकिन इस तरह के मामले में पीछे हटने का कोई मामला नहीं है, पीठ दिखाने का कोई मामला नहीं है। सामने से हम लोग ये कहना चाहते हैं, वी आर विथ आवर सिस्टर्स, विथ आवर डॉक्टर्स, वी आर विथ आवर सिस्टर्स आवर डॉक्टर्स, हम लोग अपनी बहन बेटी के साथ हैं। सिर्फ मैं देखिएगा, मैं नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ इस तरह के मामले में, ना शफाक भाई, कानूनी तौर पर नाम लेना नहीं, गुरिस करना चाहिए नाम लेने से, इस तरह विक्टिम्स का नाम लेने से, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी बहन और इस तरह की जो हमारे समाज में पूरे हिंदुस्तान में जो हमारी बहनें हैं, हम लोग सब बहनों के साथ हैं, बेटियों के साथ हैं। खुदा की कसम इस बात से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, एक सच्चा मुसलमान, सुविधु अधिकारी को मैं बता दूँ कि एक सच्चा मुसलमान अपनी बहन बेटी में फातिमा और आमना और आयशा देखता है। हम मर सकते हैं पर फातिमा आयशा को बदनाम नहीं कर सकते, और हम सच्चे दिल से ये चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के वजीर आजम, इतने ताकतवर वजीर आजम, दुनिया के सबसे ताकतवर वजीर आजम, आज पूरी दुनिया में उनका वाह वाह हो रहा है, वाह मोदी वाह मोदी, मोदी तो है तो मुमकिन है। अगर मोदी जी इतना मुमकिन काम किए हैं तो एक नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दीजिए। मोदी जी स्पेशल पार्लियामेंट का अजलास बुलाइए, एक विशेष अधिवेशन पार्लियामेंट का बुलाइए, लोकसभा और राज्यसभा का, उसमें सिर्फ एक ही एजेंडा हो कि इस तरह का वाकया में क्या कौन का कानून बनाना चाहिए। मुझे भरोसा नहीं, यकीन है, सबसे पहले ममता बनर्जी कहेगी 15 दिन के अंदर में तहकीकात मुकम्मल करके इस तरह के बलात्कारियों को फांसी के तख्त पर, जेल में नहीं बल्कि खुले जगह में, जेल में नहीं बल्कि खुले मैदान में, अगर बंगाल कलकत्ता में हो तो ब्रिगेड मैदान में, इस तरह के लोगों को खुलेआम फांसी के तख्त पे चढ़ा देना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं अपील करता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि कानून तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ही ना बना सकते हैं। अशफाक, उम्मीद करते हैं अशफाक साहब के बहुत सारी गलतफहमियाँ शायद दूर हुई और हमारी जितनी भी बातें लोग सुन रहे हैं वो गलतफहमी, आप जो लड़ाई कर रहे हैं, मैं आपके लिए कहता हूँ, बंगाल के लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तानी लोगों के लिए कहता हूँ, आप जो लड़ाई करना चाहते हैं आज वो वक्त आ गया है कि आप सिर्फ लड़ाई नहीं नतायत चाहिए, अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि सजा चाहिए। बहुत हुआ नारा, अब दो सजा। वी वांट जस्टिस, इंसाफ। इंसाफ का तकादा यह है कि खास तौर पर हमारी बहू बेटी, हमारी बहनों से मुतालिक जो रिलेटेड जो आपराधिक मामले हैं, उन मामलों को लेकर प्रधानमंत्री विशेष अधिवेशन बुलाएं और विशेष अधिवेशन बुलाकर हमारे इस मुतालिक जो कानून है उस कानून को संशोधन करके, तरमीम करके, अमेंडमेंट करके, या जरूरत पड़े तो नया कानून लाकर, एक बिल लाकर, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, मैं नहीं जानता हूं किसका क्या राय होगा, लेकिन मैं ये बात गर्व से कहता हूं, सबसे पहले अगर उस बिल का कोई समर्थन करेगी तो ममता बनर्जी, उस बिल का कोई समर्थन करेगा तो 42 MP 29 लोकसभा का और राज्यसभा का मिलाकर जो 42-45 MP है तृणमूल कांग्रेस का, राज्यसभा में लोकसभा में खड़ा होकर कहेगा कि मोदी जी इस मामले में हम आपके साथ हैं।
15 दिन के अंदर तहकीकात मुकम्मल करो और 16 दिन के अंदर में इस तरह के अपराधी को खुलेआम 46 फुट पाइप मोटा पाइप लगाकर फांसी में चढ़ा दो और 7 दिन उसका डेड बॉडी को उसी में खड़ा करके छोड़ दो ताकि चलता फिरता रोग देखे ये कौन है, बोले ये झूल रहा है, इसको फांसी चढ़ा करके ऊपर में लटका दिया गया। 7 दिन तक उसका कोई अंतिम संस्कार नहीं करे ताकि जो लोग भी देखे इबरत हासिल करे। मुझे उम्मीद ही नहीं भरोसा है कि हमारी बहन बेटी की तहफ्फुज़ के लिए ये कदम उठाने का आज दिन आ गया है। नारा नहीं, सजा चाहिए। राजनीति नहीं, तमाम लोगों को मिलकर इससे मुतालिक जो कवानीन है उस कवानीन को सख्त करना चाहिए। मेरा मतलब ये हरगिज मत निकालिएगा कि मैंने जैसे कहा 15 दिन में तहकीकात मुकम्मल हो, 16 दिन में फांसी हो, खुलेआम हो और 7 दिन के लिए झुला दिया जाए, इसका माने आप ये मत निकाल दीजिएगा कि ये तो इस्लामी मुल्कों में होता है, ये तो इस्लाम का फैसला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, इससे भी बेहतर कोई इंतज़ाम है तो आप करें, मैं आपके साथ हूँ। इससे भी बेहतर कोई इंतज़ाम है तो आप करें, लेकिन हम लोग का मकसद स्पष्ट है। जो यहाँ लोग बैठे हैं, हम लोग सभी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, हम लोग सब हम जानते हैं, दीदी का दर्द जानते हैं और ममता बनर्जी सबसे आगे बढ़ेंगी, ये अकीदा ये उम्मीद है। सुदीप बंदोपाध्याय आगे रहेंगे, अभिषेक बनर्जी आगे रहेंगे, विवेक गुप्ता आगे रहेंगे, फराद हकीम आगे रहेंगे, हमारे जितने भी रहनुमा हैं, हमारे MP, MLA, काउंसलर जितने भी हैं, हम लोग सब एकजुट होकर के कहेंगे कि 15 दिन के अंदर में पार्लियामेंट में एक ऐसा कानून लाओ, 15 दिन के अंदर में सजा हो, 16 दिन में फांसी हो और 7 दिन तक उसका डेट उसका छोड़ के इबरत के लिए। अब उसका तरीका कोई भी हो सकता है, इसका गलत माने मत लीजिए कि मैं इस्लामी कवानीन और इस्लामी ममालिक के बारे में मिसाल दे रहा हूँ, हदे इसके बारे में मेरा ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ बस हमारा मकसद यही है कि सख्त से सजा इस केस में फांसी दो, जल्द दो और आने वाली नस्लों में सिर्फ इस केस के लिए नहीं, हमारी बहन बेटी को बचाने के लिए हिंदुस्तान में एक तारीखी कदम उठाना चाहिए।